हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना से बचाव के लिए पुलिस की अनूठी पहल, पैदल मार्च में बैन की मधुर ध्वनि से बचाव की अपील। आमजन में कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पुलिस बैन के साथ पुलिस ने पैदल मार्च किया। बैन की मधुर ध्वनि के बीच पुलिस ने आमजन से कोरोना से बचाव के हर संभव प्रयास करने की अपील की। पुलिस आयुक्त पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि आम जन को कोरोना से बचाने व बचाव के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से करीब 125 पुलिस अधिकारी व जवानों ने मार्च पास किया। राजस्थान पुलिस व आरएसी के संयुक्त बैंड की अगुवाई में मार्च पास नई सड़क चौराहे से रवाना हुआ, जो घंटाघर, त्रिपोलिया मार्केट, सोजत गेट होकर फिर से नई सड़क पहुंचकर संपन्न हुआ। पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखने, सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और आसपास साफ सफाई रखने की अपील की। मार्च पास के दौरान कई जगह आमजन ने तालियां बजाकर व पुष्प वर्षा कर पुलिस की हौसला अफजाई की। जैसा कि आप लोग पिछले 2-3 महीने से लगातार देखते आ रहे हैं, कोरोना के खिलाफ जो जंग है, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विभाग लगातार जारी रखे है। मार्च से लेकर अभी तक लगभग 3 महीने हो चुके हैं। इसमें अलग अलग फेजेस देखा हमने। पहले तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का फेज था, फिर धीरे धीरे रिलैक्सेशन आया, अनलॉक का फेज हमने कहा। अब जो है एक अवेयरनेस का फेज की जरूरत है, जिसमें मास अवेयरनेस लेवल पे कैंपेन चला के लोगों को जागरूक करना है। पहले भी लोग काफी जागरूक रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और अभी जो अभी फेज रहेगा 21 से 30 जून तक का, ये अभियान की तरह हम लोग लोगों तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।